हाय दोस्तों, आप सभी का तल अदल के किचन में स्वागत है। मैं हूं शेफ अर्चना। आज आपके लिए एक अलग तरीके का भेल का रेसिपी लेकर आई हूं, जिसका नाम है ओट्स भेल। सबसे पहले हम ओट्स ले लेंगे, उसी के साथ पतला पोहा और उसे 5 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। 5 मिनट हो चुकी है तो चलो गैस को स्विच ऑफ करते हैं और इसे एक बोल में ट्रांसफर करते हैं। अब हम सेम पैन लेंगे, उसमें तेल डालेंगे। अब ये तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें सिंगदाना डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे हल्का सा ब्राउन होने तक भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। 1 से 2 मिनट हो चुकी है। अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो हमने ऑलरेडी ओट्स और पोहा को भून के रखा था। इसी के साथ हल्दी का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इसे भी 3 मिनट के लिए भून लेंगे। 3 मिनट हो चुकी है। अब गैस को स्विच ऑफ करेंगे, एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और उसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। आप चाहें तो ये मिक्सचर आप पहले से भी बनाकर रख सकते हैं। अब डालेंगे प्याज, टमाटर, धनिया, चाट मसाला, नींबू का रस, हरी चटनी, मीठी चटनी और अनार के दाने। अब हम 2 चम्मच के मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना कलरफुल लग रहा है ये भेल। तो चलो, अभी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, इसे हम अभी तुरंत परोसते हैं। डाउनलोड द तल्ला दलाल ऐप on your Apple and Android devices. Follow us on the Facebook at tarladalal.com.